कुछ सीखने के लिए भी मिलने वाला है। तो क्या आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं? सुबह सुबह मॉर्निंग 8 बजे सभी यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, और डेफिनेटली वही लोग आते हैं जो सीखना चाहते हैं। तो क्या आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं? राइट, फ्रेश गुड मॉर्निंग विद ज्ञानोधर्मा कॉफी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। चाय की चुस्कियां, कॉफी की चुस्कियां लेते हुए भी आप इस वेबिनार को एंजॉय कर सकते हैं। यही इस वेबिनार की खास बात है कि सुबह सुबह हमें सीखने के लिए मिलता है, और डेफिनेटली क्योंकि माइंड फ्रेश होता है तो जो सभी चीजें हैं वो आसानी से माइंड के अंदर चली जाती है। तो आई होप दोस्तों कि आप और आपकी टीम कुछ ना कुछ जरूर सीख रही है, राइट। एक दिन में चाहे ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डेली हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या आप और आपकी टीम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे भी हैं, या इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत आपको लग रही है? तो प्लीज एक बार बताइएगा मेरे को, क्योंकि आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी पैटर्न से हमने चलना है। जैसा पैटर्न हमारे लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं वैसे पैटर्न जो है हम उनको फॉलो करते चले जाएंगे, क्योंकि ये तो दोस्तों लगातार चलते रहना है, ये तो डेली चलेगा, और डेफिनेटली अलग अलग तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत लग रही है, या कुछ अलग तरीके से दिखाने की जरूरत लग रही है, या आपको इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो है उनको हम लोग फॉलो करते चले जाए। क्योंकि अभी तक जितने भी अभी तक हमारे ये जो एपिसोड हो चुके हैं उनमें अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है फिलहाल, क्योंकि हम सभी जो डिफरेंट वे में, सिंपल वे में, बल्कि अगर हम छोटे छोटे पोर्शन में अपने मार्केटिंग प्लान को सीख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्शन जो है, क्योंकि टुकड़ों में अगर हम सीखेंगे देखेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे, राइट। अगर हम टुकड़ों में देखेंगे तो आसानी से उस चीज को हम लोग सीख सकते हैं, और डेफिनेटली बहुत ही शानदार तरीके से हमारे लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको सीख भी रहे हैं, क्योंकि जो फीडबैक हमारे तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हमें बोलते हैं कि सर इस चीज के बारे में अभी तक हमें पता नहीं था कि ये चीजें इस तरीके से भी हो सकती है, बल्कि उन्होंने खुद इसको अपनी टीम में अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो वीडियो देखते हैं डेली का अपनी टीम में, वो मीटिंग करते हैं। क्या आप वो मीटिंग कर रहे हैं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय डियर फ्रेंड, मार्केटिंग प्लान और बहुत सारी चीजें सुबह के 8 बजे के वेबिनार में हमें सीखने के लिए मिलती है। आराम से रिलैक्स होके बैठिए, फ्रेश माइंड के साथ बैठिए, और डायरी पेन साथ में रखिएगा, ताकि कोई भी डिफरेंट चीज है ये मत सोचिए कि वीडियो है कभी भी देख लेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कभी भी नहीं होना है। जो चीज आपको डिफरेंट लग रही है उसको डायरी पे नोट करते चले जाइए, उसको डायरी पे नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। लेकिन शुरू करने से पहले, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरे इंडिया से हमारे जो लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग सुबह सुबह 8 बजे अपनी अपनी स्टेट का नाम यहाँ पे लिख के बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, ताकि जितने भी हमारे लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि देखिए सीखने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं, और आप लोग उनमें से एक हैं कि जो रेगुलर सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो रेगुलरली इस चीज को अटेंड कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो सीखेंगे, वो आप तो सीखेंगे तभी आप अपनी टीम में आगे इन चीजों को बताना शुरू कर देंगे, राइट। थैंक यू एवरीवन। ओके, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से हमारे साथ यहाँ पे लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डेफिनेटली दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज मॉर्निंग में यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज हम कुछ और यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो आर यू गाइस रेडी? प्लीज बी एनर्जेटिक, अपने अंदर जो एनर्जी है सुबह सुबह मॉर्निंग की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो क्या आप सभी लोग सीखना चाहते हैं? आर यू एक्साइटेड? माय डियर फ्रेंड, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आर यू गाइस एक्साइटेड? ओके, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है, और देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके, थैंक यू
तो लीडर्स, आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एनुअल इनकम है, राइट। अभी तक हमने किस चीज के ऊपर बात की? हमने टीम परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर बात की। देखिए, हर एक चीज को हम बाइफर्केट करके देखते हैं छोटी छोटी चीजों में। हमने कैसे कैसे प्लान को सीखना शुरू किया था, स्टार्टिंग हमने कहां से की थी? टीम परफॉर्मेंस बोनस से हमने की थी। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने जो रॉयल्टी क्लब है, लीडरशिप क्लब है, गोल्ड लीडरशिप क्लब है, इसके बारे में हमने जाना कि ये कैसे कैसे होता है। तीसरी चीज हमने क्या सीखी थी कि जो डायरेक्टर क्लब जो है, राइट, तो डायरेक्टर इनकम है, ओपार डायरेक्टर हो गया, सफायर हो गया, एमराल्ड हो गया, वो क्या चीज होती है उसके बारे में हमने सीखा था। और प्रेसिडेंट कैसे बना जाता है, प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं, वो हमने सीखा था। आज जो चौथी चीज है और जो फाइनल चीज है, ये क्या है? एनुअल इनकम। ये एनुअल इनकम है, राइट। इन चार चीजों में प्लान पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, राइट। अगर आपको ये चार चीजें आ गई, चार दिन आपने अपने ऊपर लगा दिए, चार दिन आपने अपनी टीम के ऊपर लगा दिए, तो माय डियर फ्रेंड, कम से कम आपकी टीम से 10 से 15 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर निकल सकते हैं जिन्होंने प्लान सीख लिया है, जिनको प्लान आता है, बस देरी रह जाती है उस प्लान को आगे बताने की। आपको प्लान आ चुका है, आपने आगे प्लान बताना शुरू किया है नहीं किया है, फिर ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज हम यहाँ पे एनुअल इनकम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एनुअल इनकम कौन सी होती है और ये किस तरीके से मिलती है, कौन कौन इसको ले सकता है, और डेफिनेटली आगे टीम को और आपको इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा जो एनुअल इनकम का पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, एनुअल इनकम का मतलब है यानी कि चेयरमैन क्लब बोनस, जो कि एनुअल पे आउट आता है। जी हाँ दोस्तों, एनुअल इनकम जो है, एनुअल क्लब, एनुअल पे आउट जो आता है वो कौन सा आता है? वो चेयरमैन क्लब बोनस होता है, जो कि चेयरमैन को मिलता है। अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं, एक साल में कुछ टारगेट दिए जाते हैं जो आपको एक साल में कंप्लीट करने होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे एनुअल पे आउट जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। और आप कहाँ पे पहुंच जाते हैं? आप चेयरमैन क्लब के मेंबर बन जाते हैं। ये हर साल होता है, हर साल बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो इससे जुड़ते हैं और जो चेयरमैन क्लब है उसको अचीव भी करते हैं। क्या आप चेयरमैन क्लब अचीवर बनना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि चेयरमैन क्लब बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि चेयरमैन क्लब में एंट्री कैसे मिलती है। हर साल के बाद हमें पता चलता है कि हम चेयरमैन बने हैं या नहीं बने हैं, वो हमें पता चलता है। अब चेयरमैन क्लब में एंटर करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है डेप्यूटी चेयरमैन क्लब। जी हाँ दोस्तों, डेप्यूटी चेयरमैन क्लब जो होता है वो पहला स्टेप होता है, यानी कि अगर आप 30 लाख बीपी राइट में, 30 लाख बीपी लेफ्ट में अगर आप मैचिंग कर लेते हैं एक साल में, अगर आप 30 लाख बीपी राइट में, 30 लाख बीपी लेफ्ट में अगर आप मैचिंग कर लेते हैं, तो आप यहां पे डिप्टी चेयरमैन क्लब के क्लब मेंबर बन जाएंगे, यानी कि चेयरमैन क्लब के अंदर एंटर कर जाएंगे, और आपको यहां पे 2% का जो इनकम है वो आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे 2% का डिप्टी चेयरमैन क्लब का जो इनकम है वो आपको यहां पे मिलने जा रहा है। तो इस चीज को, ये चीजें हमारे माइंड में आसानी से चलेगी। ओके, अब अगर मेरे को डिप्टी चेयरमैन बनना है, 30 लाख बीपी मेरे को करना है, तो ये बताइए कि हर महीने का कितने बीपी का मेरे को जो मैचिंग है वो करना पड़ेगा। डिप्टी चेयरमैन क्लब मेंबर बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली हर महीने कितना बीपी का जो मैचिंग है वो करना पड़ेगा, प्लीज जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ये आपको पता होना चाहिए, खुद आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप बताइए कितना कितना मिनिमम जो बीपी मैचिंग है वो मेरे को हर महीने करना चाहिए एटलीस्ट। राइट, बिल्कुल मिनिमम अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 लाख के करीब अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो है वो आप मान के चल सकते हैं। किसी महीने थोड़ा सा कम होता है, किसी महीने ज्यादा भी हो सकता है, तो वो आपका जो एक एवरेज बन के आएगा कि इससे ऊपर आपने रखना है।
अगर किसी महीने कम हो रहा है तो हमें 3 लाख अगले महीने 3 लाख करना पड़ सकता है, 3.5 लाख बीपी का मैचिंग करना पड़ सकता है। तो ये चीज हमने पूरे एक साल में कंप्लीट करना है। एक साल का समय हमारे पास रहता है कि 30 लाख का बीपी का मैचिंग साल खत्म होने से पहले पहले हमारा हो जाए, ताकि हम डेप्टी चेयरमैन बन सके, यानी कि चेयरमैन क्लब में जो एंट्री है वो हो जाए हमारी, और जो एनुअल पे आउट है वो हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये एक बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आप कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी डायरेक्टर लेवल पे हैं, जितने भी डायरेक्टर लेवल पे लीडर हैं, वो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन क्लब तो वो आसानी से बन सकते हैं, थोड़ा सा अगर प्लानिंग करके किया जाए, थोड़ा सा अगर हम इसको प्लान करके चले, काम कर रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो आसानी से इन चीजों को हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। ओके, ब्रॉन्ज चेयरमैन क्लब। अब जो ब्रॉन्ज चेयरमैन क्लब है उसके लिए हमें 60 लाख बीपी राइट में, 60 लाख बीपी हमें लेफ्ट में करने पड़ेंगे, तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, हम ब्रॉन्ज चेयरमैन क्लब में पहुंच जाएंगे और 2% हमें यहां पे इनकम मिलना शुरू हो जाएगा एनुअली। एनुअली हमें 2% जो इनकम है वो यहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहां पे 60 लाख बीपी का मैचिंग करते हैं तब हमें कितना करना पड़ेगा, पर मंथ हमें कितना बीपी का मैचिंग करना पड़ेगा, 5, बिल्कुल 5 लाख। 5 लाख का बीपी मैचिंग जो है वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा पर मंथ के अकॉर्डिंग, तब हम ब्रॉन्ज चेयरमैन क्लब के क्लब में हम लोग यहाँ पे एंट्री जो है वो कर लेंगे, राइट। स्टार्टिंग अगर आपकी सही है तो क्लोजिंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, स्टार्टिंग में अगर गड़बड़ी है तो क्लोजिंग भूल जाइए, क्लोजिंग पॉसिबल नहीं होती है अगर हम स्टार्टिंग से प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं चलते हैं। स्टार्ट जो है ना, आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में अगर ढीले पड़ जाए ना तो क्लोजिंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। क्लोजिंग अब पहले महीने से अगर हमने एफर्ट्स नहीं किए, आपको क्या लगता है कि 12वें महीने में जाके हम पूरी कसर निकाल देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। पहले महीने से अगर हम जोर लगाना शुरू कर देंगे तो वो जो आपका टारगेट है हो सकता है वो 10वें 11वें महीने में ही कंप्लीट हो जाए, वो 10वें 11वें महीने में भी कंप्लीट हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में ढीले पड़ जाते हैं और बाद में जाके जोर लगाना शुरू कर देते हैं, तो जो छोटी सी चीज है वो इतनी बड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाती है कि आधा मोराल हमारा वहीं पे डाउन हो जाता है, एनर्जी वहीं पे खत्म हो जाती है कि नहीं यार अब नेक्स्ट ईयर जो है उसको तब अचीव करने की कोशिश करेंगे। अभी भी हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि चेयरमैन क्लब में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग, आप मान के चलिए कि 3 से 4 महीने का जो समय है आपके पास पड़ा है, 3 से 4 महीने का समय पड़ा है, प्रॉपर प्लानिंग तो करके देखिए, जितना आपका पेंडिंग पड़ रहा है अरे उसके अकॉर्डिंग प्लान करके देखिए कि मेरा कितना जो बीपी है, मेरा इतना बीपी अभी तक हो चुका है, राइट, मेरा इतना बीपी अभी तक पेंडिंग है। मान लीजिए अभी तक आपका आधा ही हुआ है, 8-9 महीने में अभी तक हमारा आधा ही बीपी हुआ है, 15-15 लाख का ही बीपी का मैचिंग हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, राइट, चाहे चलो 10 लाख भी मान के चलो कि अभी तक 10-10 लाख का ही बीपी मैचिंग हुआ है, तो हम लोग आधी हिम्मत वहीं पे हार जाते हैं, यार 20 लाख पड़ा है, नहीं 20 लाख नहीं हो पाएगा। माई डियर फ्रेंड, कैसे नहीं हो पाएगा, ये चीजें पॉसिबल है। अगर मान लीजिए आपका 20 लाख बीपी पेंडिंग है, आपका 15 लाख बीपी पेंडिंग है, आपका 10 लाख बीपी पेंडिंग है, तो उसकी प्लानिंग जो है वो किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, आप खुद कैलकुलेट करके इसको बता सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका 10 लाख बीपी पेंडिंग है, आपके पास 4 महीने का समय पड़ा है, अभी भी आपके पास 4 महीने का समय पड़ा है, 10 लाख का बीपी पेंडिंग है, तो 4 महीने में यानी कि हर महीने मेरे को कितने बीपी करने पड़ेंगे, जरा लिख के बताइए। अगर 4 महीने का समय पड़ा है, 10 लाख का बीपी का मेरे को मैचिंग करना है, तो हर महीने मेरे को कितना बीपी का मैचिंग करवाना पड़ेगा, जरा लिख के बताइए जल्दी से माय डियर फ्रेंड जल्दी से। अगर 4 महीने का समय है, मेरे को 10 लाख बीपी करना है, तो मेरे को हर महीने कितना करना पड़ेगा, लगभग 2.5 लाख बीपी का मैचिंग करना पड़ेगा, ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, राइट, 2.5 लाख बीपी का मैचिंग करना पड़ेगा। और 2.5 लाख बीपी का मैचिंग करने के लिए अब महीने में 30 दिन है, हम सभी जानते हैं महीने में 30 दिन होते हैं, राइट, तो अगर 2.5 लाख बीपी का मैचिंग करना है तो डेली का मेरे को कितने का बीपी मैचिंग करवाना पड़ेगा अपनी टीम से,
क्योंकि अब आप लीडर हैं, आप तभी ये चीजें पॉसिबल कर पाएंगे। मुझे ये बताइए डेली का मेरे को कितने बीपी का मैचिंग करवाना पड़ेगा? 30 दिन है, 2.5 लाख बीपी एक महीने में करना है, तो 2.5 लाख बीपी के हिसाब से 30 दिन में पर डे का कितना बनता है? पर डे मेरे को कितना बीपी करना पड़ेगा, जल्दी से लिख के बताइए। लगभग 8.5 से 9 हजार, चलो मान के चलते हैं, राइट, 8.5 से 9 हजार बीपी हम मान के चलते हैं। अब अगर आप डायरेक्टर लेवल पे हैं तो कम से कम आपकी यहां पे मान के चले तो 30 से 50 लोगों की टीम है आपकी, अगर आप डायरेक्टर लेवल पे हैं, इतनी होनी चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम है, डायरेक्टर लेवल पे हैं तो कम से कम भी तो 30 से 50 लोगों की टीम आपकी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी 50 लोगों की टीम है तब डेली के कितने बीपी करने पड़ेंगे? अगर 9000 बीपी आपको पर डे करना है और आपकी अगर 50 लोगों की टीम है तो आपको डेली के कितने बीपी करने पड़ेंगे? 180 बीपी सिर्फ 4 महीने डेली आपने करने हैं, अपनी टीम से करवाने हैं। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है। अगर आपको यहां पे 20 लाख बीपी का भी मैचिंग करना है तो 360 बीपी आपको करने पड़ेंगे, अगर 50 लोगों की टीम है 360 बीपी आपको डेली के करने पड़ेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन उसी के लिए सिंपल होता है जिसके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है। 20 लाख बीपी भी 4 महीने में किया जा सकता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, अगर 50 लोगों की टीम है। अगर हम टीम बनाना शुरू करेंगे तब ये चीजें जो है वो चीजें फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए उसको प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टर लेवल पे हैं तभी आप चेयरमैन के लिए सोच सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टर लेवल पे हैं तो आपके पास कम से कम नहीं तो 30 से 50 लोगों की टीम होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। प्रॉपर मीटिंग कर रहे हैं? मीटिंग में क्या अपनी टीम को टारगेट दे रहे हैं? 180 बीपी का टारगेट क्या टारगेट होता है? डेली का टारगेट है 180 बीपी का टारगेट एक पर्सन के लिए, कौन सा बड़ा टारगेट होता है? जरा सोच के बताइए। अरे हम कम से कम नहीं तो 400-500 बीपी का टारगेट डेली का अपनी टीम को दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे ब्रॉन्ज चेयरमैन क्लब पे पहुंच सकते हैं। जरा सोच के देखिए 400-500 बीपी का टारगेट भी अगर हम अपनी टीम को डेली का देते हैं और अपनी टीम में अगर हम लीडर खड़े करते हैं तो माय डियर फ्रेंड ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। आप उन लीडर को देखिए जो चेयरमैन क्लब में है, उनके पास बड़ी बड़ी टीम है तभी वो चेयरमैन क्लब में एंटर किए हैं वो, राइट? बिना टीम के कोई चेयरमैन एंटर में क्लब किया है? नहीं किया है। तो हम लोग कैसे एंटर कर सकते हैं? हम लोग अगर हमें टीम बनाना आता है तो टीम बना के उनके साथ बात करके प्रॉपर प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करके हम चेयरमैन क्लब में एंटर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। इसलिए ये जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। मैं कहता हूं कि लिस्ट बनाइए, अपनी टीम की लिस्ट बनाइए, जिनसे काम हमने करवाना है, जिनको हमने सिखाना है, जिनके हमने प्रॉपर प्लानिंग करवानी है। हम 90% लोग लिस्ट ही नहीं बनाते हैं कि हमारी टीम के मेंबर कौन कौन से हैं, 90% लोग। और जो 10% बनाते हैं वो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर भी पाते हैं। अभी जब ये सेशन खत्म होगा इसके बाद अपनी टीम की लिस्ट बनाइए। ये भी पॉसिबल है कि जो डिप्टी डायरेक्टर है वो भी चेयरमैन क्लब में एंटर कर सकता है 4 महीने के अंदर अंदर, अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो। प्रॉपर प्लानिंग के साथ देखिए मेरे को कितना करना है, कितना पेंडिंग है। चीज पॉसिबल है, चीज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पे पहुंच सकते हैं सिल्वर चेयरमैन क्लब। डेफिनेटली 1 करोड़ का हमें यहाँ बीपी मैचिंग करना पड़ेगा तो 2% मिलता है। चेयरमैन गोल्ड क्लब 5 करोड़ बीपी का मैचिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे 0.5% हमें मिलता है। और चेयरमैन डायमंड क्लब 12 करोड़ बीपी मैचिंग कर रहे 0.5% हमें यहाँ पे मिलता है, यानी कि टोटल 7% हमें यहाँ पे चेयरमैन क्लब बोनस के रूप में मिलता है, राइट? तो ये चीजें हमें पता चल गई कि ये जो चीजें हैं वो किस किस तरीके से जो एनुअल पे आउट है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो चेयरमैन क्लब बोनस दोस्तों बहुत ही सिंपल है समझना, इसको समझना, लेकिन करना सिंपल नहीं है। करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, तब वो जो चीजें हैं वो लोग उसको आप उसको सिंपल मान सकते हैं, राइट? अब इसके बाद अगर हम देखें यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉफिट,
यानी कि आप और कौन कौन से जो प्रॉफिट है वो आप उठा सकते हैं, जैसे कि स्टॉकिस्ट रेफरल इनकम 1% मिलता है मंथली सेल्स का। जी हाँ दोस्तों, आपने जितने भी स्टॉक पॉइंट ओपन करवाए हैं उनका आपको 1%, वो जितना भी सेल करेंगे उनका 1% आपको हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा। आप चेक कीजिए आपने कितने स्टॉक पॉइंट ओपन करवाए हैं। मान लीजिए आपने 100 स्टॉक पॉइंट ओपन करवाए देश के अलग अलग जगह पे, देश के छोड़िए चलो अपनी स्टेट में कितने गांव हैं, हजारों की संख्या में गांव है, राइट, हजारों की संख्या में गांव है, किसी में 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 गांव है स्टेट्स में, हमें कितने चाहिए 100-200। अगर आप 100 स्टॉक पॉइंट ओपन करवा देते हैं और हर किसी का जो मंथली सेल है, आप सिर्फ उन्हीं 100 स्टॉक पॉइंट को अगर आपने हैंडल करना सीख लिया, अपनी टीम से हैंडल करवाना सीख लिया, उनके ऊपर अगर आपने अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके फोकस किया, तो वो जो 100 स्टॉक पॉइंट है अगर वो 1-1 लाख रुपए का भी सेल कर लेते हैं, 1-1 लाख रुपए का, ऐसे बहुत सारे स्टॉक पॉइंट हैं जो सुपर स्टॉक से भी ज्यादा की सेल करते हैं, 10-10, 12-12, 15-15 लाख की सेल करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक पॉइंट हैं। तो अगर हमने सिर्फ 1-1 लाख रुपए का भी सेल कर लिया, अब किसी स्टॉक पॉइंट पे 1 लाख से ज्यादा की भी सेल हो सकती है, किसी पे 1 लाख से कम की भी सेल हो सकती है, लेकिन अगर हम एवरेज 1 लाख रुपए का सेल मान के चले एक स्टॉक पॉइंट का, और अगर आपने 100 स्टॉक पॉइंट ओपन करवा दिए, तो माय डियर फ्रेंड 1 लाख रुपए का बोनस आपका सिर्फ इसी चीज का बन जाएगा कि आपने स्टॉकिस्ट रेफरल इनकम आपको मिल रही है 1 लाख रुपया, इसी चीज का 1 लाख रुपए कम होता है सिर्फ किस चीज का, स्टॉकिस्ट रेफरल का। आपने रेफरल किया कि भाई वहां पे खुलवा दो, वहां पे खुलवा दो, वहां पे खुलवा दो, आपने रेफरल किया है सिर्फ, और आपको यहाँ पे जो इनकम है स्टॉकिस्ट रेफरल इनकम वो आपको आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके 200-300 स्टॉक पॉइंट जो है जिन्होंने ओपन करवाए हुए हैं, और वो 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए वो इसी चीज का इनकम ले रहे हैं। हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज के ऊपर काम बहुत कम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर इस चीज के ऊपर काम करेंगे तो बहुत अच्छा जो इनकम है वो आप जनरेट कर सकते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट रेफरल इनकम 0.5%, जितना भी वो मंथली का सेल का ऑर्डर डालेगा 0.5% आपको यहाँ पे सुपर स्टॉकिस्ट का रेफरल इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो डिफरेंस होता है स्टॉकिस्ट का, जो डिफरेंस होता है 10-20% का रहता है जो मार्जिन रहता है एमआरपी और डीपी से। अब देखिए जितना भी प्रोडक्ट है उसका एक एमआरपी होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जो स्टॉकिस्ट होता है, जिनके पास स्टॉक पॉइंट होता है, उनको जो सामान मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, वो डीपी प्राइस के ऊपर मिलता है, और उसमें जो मार्जिन रहता है वो कितना रहता है डीपी और एमआरपी के बीच में, 10-20% का। आपको जो सामान मिल रहा है वो डीपी में मिल रहा है, आप बेच किस पे रहे हो, एमआरपी पे बेच रहे हो, बाय वन गेट वन बोल के आप बेच रहे हो, तो आपको वो जो डीपी का जो डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जो सुपर स्टॉकिस्ट है, सुपर स्टॉकिस्ट को जो भी स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा है वो 4.5-10% का मार्जिन लेके चलते हैं। अब जैसे हमारे हेल्थ जूसेस हैं, जूसेस पे 10% का मार्जिन मिल रहा है सुपर स्टॉकिस्ट को, जानते हैं कितना बड़ा मार्जिन होता है, 10% का मार्जिन एक बहुत अच्छा मार्जिन माना जाता है, और सुपर स्टॉकिस्ट है क्योंकि जो स्टॉक पॉइंट है वो सुपर स्टॉकिस्ट से सामान लेंगे। सिंपल सी चीज है, अगर आप कोई स्टॉक पॉइंट, अगर आप कोई सुपर स्टॉकिस्ट ओपन करवा रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, कम से कम 10 स्टॉक पॉइंट होने चाहिए तब आप एक सुपर स्टॉकिस्ट को ओपन करवाइए, या अगर आप खुद सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास 10 स्टॉक पॉइंट ओपन करवाने हैं आपको, तभी आपका सामान लिक्विडेट होगा। नहीं तो वो सामान पड़ा रहेगा, बाद में सामान पड़ा रहेगा, एक्सपायरी आएगी, सेल रोटेशन नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, मोरल डाउन होगा और धीरे धीरे छोड़ के भाग जाएंगे। सिंपल सी चीज है, सुपर स्टॉकिस्ट को ओपन करवाना है तो एक चीज का ट्राई करना है कि मैंने 10 स्टॉक पॉइंट कम से कम ओपन करवाने हैं, ताकि अगर मैंने 10 लाख रुपए का सामान भी लिया है तो 1-1 लाख रुपए का सामान मैं अपने 10 स्टॉक पॉइंट को दे सकूं और हर महीने मेरा रोटेशन हो सके। नहीं तो वो प्रोडक्ट आपके पास पड़ा रहेगा, वो पड़ा पड़ा वहां पे एक्सपायर हो जाएगा, और फिर हम बोलेंगे सर इसका हम क्या करें। तो माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो सभी चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकती है। इन चीजों को हमने यहाँ पे पॉसिबल बनाना ही बनाना है, राइट। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आते हैं 17 यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। तो ये आप किसी को भी बता सकते हैं, आप न्यू हैं, राइट, आप किसी को भी इनके बारे में बता सकते हैं आसानी से, जैसे कि 2 लाख जनरेशन प्लान है, और आपको कोई साइड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। जितनी भी इनकम है, जितनी भी हमारी इनकम है,
वो 2 लाख से भी आ सकती है, आप चाहे तो ज्यादा ओपन कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख से भी वो जो इनकम है वो आपके तक आ सकती है। अनलिमिटेड डेप्थ तक जा सकते हैं, जितनी मर्जी डेप्थ तक आप जा सकते हैं, कुछ भी सुपरसीड नहीं होता है। ये जो प्लान है इसमें सभी चीजें एक्युमुलेट होके यानी कि जुड़ के मिलती हैं, जितनी भी इनकम है वो हमें जुड़ के मिलती है, एक्युमुलेट होके मिल रही है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए 2 लाख बीपी का मैचिंग करते हैं, राइट, तो 2 लाख बीपी का मैचिंग किया तो हमें यहाँ पे हाउस क्लब, कार क्लब, रॉयल लॉयल्टी हो गया, आपका जो लीडरशिप हो गया, ये सभी चीजें जो है वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्युमुलेशन प्लान है, तो यहाँ पे सभी चीजें एक्युमुलेट होकर मिलती है। मिनिमम से मिनिमम जो पे आउट है वो भी बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है, आपने शायद सुना भी होगा, 19 रुपए का एक बना था पे आउट, वो भी कंपनी ने बैंक में ट्रांसफर किया है 19 रुपए का, चाहे कोई काम नहीं किया था या टीम ने थोड़ा बहुत जो भी किया होगा उनका, 19 रुपए का बना था, वो भी कंपनी ने उनके बैंक में ट्रांसफर किया है, राइट। कोई क्लब इनकम होल्ड नहीं की जाती है, हर महीने उसको डिसबर्स कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। महीने में 5 पे आउट उठा सकते हैं, 4 वीकली 1 मंथली, राइट। रिटेल प्रॉफिट 100% है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बाय वन गेट वन फ्री है। और जो बीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 105% का बीपी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया जा रहा है। स्टॉकिस्ट प्रॉफिट मार्जिन हमने देखा है 5 से लेकर 20% का रहता है। स्टॉकिस्ट रेफरल कमीशन जो रहता है 1% जो रेफरल इनकम रहता है। सुपर स्टॉकिस्ट का जो मार्जिन है 4.5 से 10% का रहता है। मिनिमम स्टॉक इन्वेस्टमेंट आप 50,000 रुपए से भी जो स्टॉक पॉइंट है वो ओपन करवा सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल एरिया बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे तो होम शॉपिंग के रूप में घर में भी ओपन करवा सकते हैं, चाहे शोरूम में, शॉप में, कहीं पे भी। और जो सुपर स्टॉकिस का तक जो सामान जाएगा वो बिल्कुल, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल फ्री है। और इन केस अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के बारे में, राइट, तो जो प्रोडक्ट है वो एक्सचेंज भी किया जा सकता है, लेकिन अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का ये जो सेशन है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे क्या है कि 4 तरीकों में हमने इसको यहाँ पे देखा है। 5 पे आउट कैसे हैं? जी हाँ, देखिए 5 पे आउट, 4 पे आउट हमारे वीकली होते हैं, जो हम वीकली मैचिंग बोनस उठाते हैं, राइट, क्योंकि हर हफ्ते क्लोजिंग होती है, हर मंगलवार क्लोजिंग होती है, और हर वीरवार को जो पे आउट है, जैसे कि थर्सडे को जो पे आउट है वो आपके अकाउंट में चला जाता है। वो किस चीज का होता है? वो जो हमारा जो वीकली बोनस होता है, जो हम किट वाला, जो रिपर्चेज किट का जो बोनस होता है, वो जो हम उठाते हैं। और एक हमें मंथली बोनस मिलता है, जो हमें बीपी के रूप में मिलता है, जो भी हम बीपी कर रहे हैं उसके रूप में हमें मिलता है, राइट। तो ये जो सभी चीजें हैं ये मिला के वहां पे मंथली जो है वो 5 पे आउट यहाँ पे हमारे बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो पे आउट है उनको हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। और दोस्तों कल हमारा एक और जो सेशन है उसमें कुछ जो डिफरेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा आपकी टीम से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे जुड़ सके। और उसके बाद फिर हमारा जो टेस्ट है, 2nd ऑनलाइन जो टेस्ट है वो भी होगा, क्योंकि हमने जो मार्केटिंग प्लान है उसकी जो सभी चीजें हैं उनको हमने डिटेल में सीखा है। तो अभी एक जो फुल फ्लेज जो टेस्ट होगा उसके, उसमें हम यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो क्वेश्चन हैं वो आपको कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप अपनी जो प्रेपरेशन है उसको यहाँ पे जबरदस्त रखिएगा, ताकि कोई भी जो डिटेल है वो हम लोगों से मिस ना हो सके। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए, राइट। तो कल फिर सुबह मुलाकात होगी 8 बजे। आप अपने साथ और अपनी टीम के साथ इस वेबिनार को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।